1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना ख़राब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिएगा। हम सब लोगों को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम लट्ठे दे दीजिए। ब्राह्मणों को गाली नहीं ब्राह्मणवाद से बचने की सलाह दे रहे थे जीतन राम मांझी। अब उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि वो गाली का प्रयोग जो उन्होंने इस बयान में किया वो ब्राह्मणों के लिए नहीं था, बल्कि वो अपने समाज को ही सिखा रहे थे कि भाई ब्राह्मणवाद से बचिए। आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ अक्षय आनंद, और आप सुनिए कि मांझी ने अपने बयान को वापस लेते हुए किस तरह से उसका सुधार किया है। हम तो ये कहा अपने समाज के लोगों को कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया लुटाया जा रहा है, गरीब क्या जो होना चाहिए भलाई उतनी भलाई न हो रही है, और आप लोग जो सिद्धू कास्ट के लोग हैं पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी भी हो, माँ सबरी हो, या फिर दीना भद्री हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, बाबू नगदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए हरामी का शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को कहने के हरामी लोग ऐसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं, उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समाज में कुल देवता हैं, पानी साहब जो लोग हैं उनसे आप बात करवाइए। इसी शब्द में हरामी का यूज हमने किया था अपने समाज के लिए, न कि पंडित जी जी। तो अपने समाज के लिए क्यों किया है हरामी शब्द का उपयोग? हाँ, इसलिए कि जो पहले पूजा नहीं कराते थे जी, अपने धर्म का अपने लोगों की पूजा करते थे जी, अब पूजा के नाम पर जो कर रहे हैं, जितनी बर्बादियाँ कर रहे हैं, जितना अनेक तरह का जो ये धर्म हिंदू धर्म और ये सब की बात कर रहे हैं उसका प्रसार नहीं होना चाहिए। बाबा अम्बेडकर ने 56 में यही कह करके मरे थे कि हिंदू धर्म में जन्मे हैं, हमारा बस नहीं था लेकिन हम हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे, और यही कह करके 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और चला गया। तो हम जब बौद्ध बाबा अम्बेडकर जो हम संतान हैं उनके पूर्व माने जाते हैं, तो फिर हम क्यों पूजा करेंगे? तुम हरामी पत्नीपन नहीं करते हो, हरामीगिरी की बात करते हो, बाबा अम्बेडकर का तो जय भीम का नारा लगाते हो, तुम जय भीम का नारा लगने लायक? यही तो प्रश्न पूछा था। जितन राम मांझी जी पूजा नहीं करते हैं? नहीं, एकदम नहीं करते जी, तब भी नहीं आज तक। इसके पीछे भी कहानी है जी। एक मंदिर में हम लोग पढ़ते हुए थे, 7वां क्लास में गए थे, मैं क्या नाम है उसका, श्रावणी पूजा होती थी जी, हमारे साथी लोग गए मंदिर में प्रणाम करने, हम जाने लगे तो हमने बांह पकड़ के निकाल दिया गया। उस दिन से हम समझे कि साले देवी देवता जितना भी है हमारे नहीं है, सभी ग्रह के है, और उस दिन से हम पूजा पाठ नहीं करते। तो सुना आपने जीतन राम मांझी को, उन्होंने जिक्र किया कि ये पहले मुसहर समाज के लोग जो है सबरी की पूजा करते थे और चीज़ों की पूजा करते थे, मगर आजकल सत्यनारायण भगवान की कथाएँ होने लगी हैं और जो पंडित आते हैं वो मुसहर के घर में खाते नहीं हैं बल्कि लेकर नगद लेकर जाते हैं और अपने वहाँ खाने से परहेज करते हैं। इसी पर सीख देते हुए जीतन राम मांझी ने यह बातें कही हैं। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, अपडेट खबर सब कुछ हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।